ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 और श्लोक संख्या 31। आख्या ही मे कह भवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न होए। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। तो अर्जुन एक तरह से विचलित भी है, कंफ्यूज भी है, लेकिन कहीं भी फिर भी अपना धैर्य बना के रख पा रहा है और भगवान को पहचान पा रहा है। इतने सब होने के बावजूद भी वो बोलता है कि आप आदि भगवान हैं। तो अर्जुन नोज अबाउट इट, लेकिन अर्जुन ने कभी भगवान को इस रूप में देखा नहीं था। वो तो भगवान के साथ साख्य रस में था, जीवात्मा भगवान के साथ अलग अलग रस में आदान प्रदान कर सकती है। जीवात्मा का जो भगवान के साथ रिलेशन है वो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे हम सुनते हैं शास्त्रों में होता है शांत रस, जिसमें एक्टिवली आदान प्रदान नहीं है, लेकिन हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी बन जाते हैं, एक चिड़िया, कबूतर या कुछ भी, भगवान को पसंद करना चाहते हैं लेकिन आदान प्रदान नहीं है। उसके बाद आता है दास्य रस, जिसमें दास जो है भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। दास में भी प्रेममयी सेवा करता है, आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ समथिंग कि भगवान से कुछ मिलेगा, करना चाहता है सेवा। उसके बाद होता है साख्य रस, साख्य रस में जिसमें कि मित्रता का भाव रहता है आपस में। और फिर हम सुनते हैं वात्सल्य रस, इसमें कि माता पिता का रिश्ता रहता है। और फिर माधुरी रस, इसमें प्रेमी प्रेमिका, गोपियाँ, ये भाव रहता है। तो वो भाव सबसे ऊपर है। लेकिन अगर साख्य रस की बात करें तो साख्य रस में इन सारे रसों में जैसे जैसे हम दास्य रस के ऊपर जाते हैं, भगवान को भगवान मानने का जो जज्बा है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान का जो प्रेम है, सेवा का भाव है, वो रहता है ना, इस प्रकार से। तो साख्य रस में अर्जुन ने भगवान को आज तक डिफरेंट एक मूड में देखा था, जो कि आज आप आगे आने वाले श्लोकों में भी सुनेंगे। अर्जुन उसको खुद ही अपने मुंह से बोलेगा। तो जिसने भगवान का हमेशा ऐसा रूप देखा, वो अचानक से ऐसा रूप देख लेता है तो वो ये क्या हो गया। होता ना कि आपने किसी को अच्छे मूड में देखा हो हमेशा, किसी दिन वो एकदम से गुस्सा हो जाता है तो आप घबरा जाते हैं सारे लोग, क्योंकि कभी गुस्सा ही नहीं होता है। एकदम से गुस्सा हो जाता है तो सब लोग घबराते हैं, भैया कोई सीरियस बात है इसका मतलब। तो अर्जुन ने हमेशा भगवान को देखा था, ये वही अर्जुन है जिसने भगवान को शांति प्रस्ताव ले जाते देखा था, खुद ही शांति का प्रस्ताव ले जाने वाले ये भगवान ऐसा लगता है कि आज सभी को समाप्त कर देंगे। और ये वही कृष्ण हैं जिनके साथ इन्होंने कई बार कंधों में कंधा हाथ रख लिया होगा, कभी सो गए होंगे साथ में, कभी पैर लगा दिया होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो है वो एक उग्र रूप में भगवान को देख रहे हैं और हैरान है कि आप कौन हैं। ऐसा नहीं कि पता नहीं है, कहने का मतलब यह है कि आपका पर्पस क्या है, एक इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। और तुरंत बोलते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप आदि भगवान हैं। तो यानी कि जान रहे हैं कि आदि भगवान हैं, इसलिए अपने स्वभाव को नहीं भूल रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान को नमस्कार करता हूं। लेकिन भगवान से पूछ भी रहे हैं और कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे से नाराज हैं। वी शुड ऑलवेज बी चेकिंग दिस पॉइंट। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर आदमी ऐसा सोचता है, नहीं तो आई डोंट केयर। एक दुकानदार माल बेच देता है, ले गया ना, बस चिपका दिया ना, बस ले गया, बस मुझे क्या मतलब आगे। लेकिन जहाँ वास्तविक प्रेम होता है वो हम सोचते हैं कि क्या ये, क्या मुझसे प्रसन्न है, मेरी सेवा से प्रसन्न तो हैं हे भगवान। हाँ, ये सारी स्पिरिचुअलिटी का, सारे प्रोसेस का, मानव जीवन का पर्पस यही है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। यही जीवात्मा का पर्पस है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। भगवान हमसे कैसे प्रसन्न होंगे, इसका साधारण सा आंसर हम आचार्य से सुनते हैं। यदि हमसे गुरु प्रसन्न है
तो हम सुनते हैं कि हमसे कृष्ण प्रसन्न है। गुरु वही है जो गुरु परंपरा में आता है, हम जानते ही हाँ, शास्त्रों के अनुसार जीवन को जीता है, गुरु परंपरा में आता है, एक वैलिड व्यक्ति है। ऐसा नहीं हर कोई गुरु बन सकता है, उसके अलग लेक्चर हमने दिए हैं। हु इज अ बोनाफाइड, कैन बी अ बोनाफाइड गुरु, हु कैन बी एन अथॉरिटी। तो इस प्रकार से ये जानने के बाद हमें यही लगना चाहिए हमेशा कि हमसे जब हमारी अथॉरिटीज प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है, क्योंकि कृष्ण ही इसी प्रकार का सिस्टम चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि तद विधि पणिपाते न परिप्रश्न सेवया, हम कि जाइए उनके शरण में जाइए। गो टू अ रियलाइज्ड पर्सन, ही कैन शो यू द ट्रुथ, भगवान अर्जुन को बोलते हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरा पर्पज मेरे को आपको नाराज करना नहीं था, आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वी शुड चेक दिस ऑलवेज, हम पूछना चाहिए मेरे लिए क्या फीडबैक है, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमारा पर्पज यही है। लेकिन क्या होता है, ये पर्पज तो हमारा होता है जीवन में प्रसन्न करना, लेकिन फिर भी हम इस पर्पज को करते चले जाते हैं और यही पूछना भूल जाते हैं, यही सोचना भूल जाते हैं क्या हम जो कर रहे हैं वो प्रसन्न कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ी हुई अगली लाइन भी आएगी इसमें। तो अभी तो कह रहे हैं कि मुझ पर प्रसन्न हो, दिस शुड बी द पर्पज। जब हम भगवान की वर्शिप करें या भगवान के नामों को जपें, हम भगवान के नाम क्यों जपते हैं, क्योंकि भगवान, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो पाए। हम कोई व्रत इत्यादि तपस्या क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। हमको सेवा क्यों करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाए। और हम जानते हैं कि भगवान गुरु के माध्यम से प्रसन्न होते हैं, तो हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, वैसा वैसा जीवन को डालते जाते हैं। इस प्रकार से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार से सारे वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। ये जीवन की खुशहाली लाने का तरीका है। बड़ी साधारण सी बात है। घर के अंदर हम अक्सर बोलते हैं, बालक यदि अपनी मम्मी पापा को प्रसन्न रखता है तो उसकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, है कि नहीं? लेकिन यदि बालक मम्मी पापा की बातों को ना पूरे करे, डिमांड करता चाहे मुझे ये चाहिए, मुझे ये खुलाना चाहिए, मुझे ये, थोड़े दिन बाद दिलाते दिलाते मम्मी पापा भी कहते हैं ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो पहले ये नंबर ला के दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ, फिर मिलेगा। हाँ, और फिर बच्चा लग जाता है उस काम में। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि यदि हम अपने अथॉरिटीज़ को, जो कि हमारे गुरु भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, सीनियर डिवोटीज़ भी हो सकते हैं, उनको प्रसन्न रखेंगे तो अपने आप ही सब कुछ, माहौल भी अच्छा रहेगा, सब कुछ प्रसन्न रहेगा, उनकी कृपा मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ब्लेसिंग प्रसन्न करके मिलती हैं, हृदय से मिलती हैं। ब्लेसिंग्स हाथ सर पर रखने से नहीं मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है हृदय से। जब हम किसी के हृदय को जीत लेते हैं तो अपने आप ब्लेसिंग निकलती है, हमारे मांगे बिना निकलती है। वो निकलती है हमारे समर्पण से, हमारे त्याग से, हमारे सेल्फलेस नेचर से, हम प्रसन्न कर लेते हैं। जिस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मैं तो आपका ही हूँ, ये उग्र रूप आपने क्यों धारण किया है, आप तो आदि भगवान है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, लेकिन मैं आपको जानना भी चाहता हूँ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा। अब ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता ही नहीं था, आज तक तो मुझे लगता था कि मैं जानता हूँ। हे मधुसूदन, अलग अलग नाम भगवान लेते हैं ना, अर्जुन लेते हैं भगवान के, ऐसा लगता था कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप तो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन अब कह रहे हैं मैं आपको जानना चाहता हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि कृष्ण को जितना जानेंगे उतना समझ में आता है कि हम कृष्ण को नहीं जानते हैं। अभी तो हम कृष्ण को बहुत कम जानते हैं। श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन वो भी कितने लिखी हैं चीज़ें, कितनी लिखी हैं, भगवान कितनी अनंत लीलाएँ नृत्य करते जाते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी इस वक्त भी, भगवान किसी न किसी लोक में अपने ओरिजिनल रूप में प्रस्तुत होंगे और कुछ लीला कर रहे होंगे, और नहीं तो अपने दिव्य धाम में लीला कर ही रहे होंगे। तो सारी लीलाएं थोड़ी हमारे पास अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए। हाँ, तो इसलिए हम जान नहीं सकते हैं भगवान को। इसलिए कहते हैं मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। एंड दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट वर्ड, प्रयोजन। जब हम किसी को प्रसन्न करना चाहें तो हमें जरूर जानना चाहिए कि उस व्यक्ति का प्रयोजन क्या है, वो चाहता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। हम किसी को कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जानते नहीं है एक दूसरे के बारे में कुछ भी, बस आपकी बेसिकली आपकी हाइट बड़ी अच्छी लगी, आपका फेस बड़ा अच्छा है, आई लव यू, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम कहने का मतलब है कि हम जाने कि सामने वाले का पेन पॉइंट क्या है, उसके जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव को पूर्ण करने में सहयोग देना,
हाँ, इसको वास्तविक प्रेम कहते हैं। इतना सरदर्दी कौन लगाएगा, इतना दिमाग कौन लगाएगा। खाने पे बुला लेंगे, बढ़िया सा कुछ बना लेंगे आइटम्स, इससे काम नहीं चलता है। हमें जानना पड़ेगा वास्तविकता में। इसी तरह से यदि हम भगवान से वास्तविक प्रेम करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान का पर्पस क्या है। श्री प्रभुपाद ने बताया कि भगवान का मुख्य पर्पस संसार में है, कैसे जीवात्माओं को भगवान के धाम में लेके जाया जाए। और ये बड़ा स्पष्ट होता है भगवद गीता के श्लोक से, हाँ 18.68, जिसमें हम भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय कौन है, मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति, उससे पहले उससे प्रिय ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा, ना मैं प्रियतमा क्रिया। जो भगवान बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरों को बांटता है वो मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति है, और उससे प्रिय ना तो कभी कोई हुआ है ना कभी कोई होगा। जो एक ज्ञान को, क्यों, इससे भगवान का पर्पस क्लियर निकल के आता है, क्योंकि भगवान का पर्पस है कैसे जीवात्माओं को भगवान के धाम में लेके जाया जाए। ये भगवान का मुख्य पर्पस है, और यही गुरु का पर्पस है। गुरु भी भगवान के इस आदेश को पूरा करने में अपने जीवन को लगा देते हैं, और गुरु के आदेशों को पूरा करना, गुरु के ऑब्जेक्टिव्स को, गुरु के मिशन को पूरा करना हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव। इसलिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपका हे गुरुदेव हे कृष्ण आपका प्रयोजन क्या है, आप चाहते क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका क्या समस्याएं हैं, वो मुझे दीजिए, मैं उसको करूंगा। ये वास्तविक प्रेम है, जो कि मुश्किल काम है। किसी के लिए कुछ गिफ्ट लाना आसान काम है, किसी को खाना खिलाना आसान काम है, किसी को इस तरह का चीज करना आसान काम है, प्रणाम करना भी आसान काम है, लेकिन उसके इच्छाओं को जानकर अपने जीवन को मोल्ड कर देना वास्तविकता में दिखाता है कि हमें कितना प्रेम है उस व्यक्ति से। तो हमें इस कसौटी पे जब हम नापते हैं अपने आप को, लगता है कि नहीं अभी हमें प्रेम नहीं है। जो भी लोग आई लव यू बोलते हैं वो इस कसौटी पे सब फेल जाते हैं। इसलिए समझना पड़ेगा इस बात को। इसलिए अर्जुन यहाँ जानना चाहते हैं, मैं जान नहीं पा रहा हूँ आपका प्रयोजन क्या, क्यों प्रयोजन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, इसलिए आप अपना प्रयोजन बताइए ताकि मैं उस प्रयोजन के अनुसार अपने जीवन को मोड़ सकूँ, तोड़ सकूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। यही प्रश्न हमें भी पूछना चाहिए। वी शुड अप्रोच एंड वी शुड आस्क कि आपका प्रयोजन क्या है, क्या प्रसन्न हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई सर्व, दिस शुड बी आवर क्वेश्चन। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।